गुरु जी, श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत प्रणाम। आनंद जी को सत प्रणाम, सुरेश जी को सत प्रणाम और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग, आप सबका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है जी। मीटिंग शुरू हो गई है, जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। जिस किसी साधक का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस किसी साधक का कोई क्वेश्चन है या फिर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, अपने आप को अनम्यूट करें। जी दक्षा जी, हाँ जी बोलिए जी। आपने अपने आप को म्यूट कर लिया। हाँ जी बोलिए, अभी बोलिए। हाँ, मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि हम निर्जला छोड़ने के बाद, जैसे आज मैंने 24 घंटे का निर्जला रखा, दूसरे दिन भी 8 घंटे का उपवास रखा, उसके बाद रेचप और जूस, और फिर उसके बाद नारियल का खजूर, ऐसा ले सकते क्या नारियल खजूर का जूस? जी माता जी, इनको बताएं कि क्या ले सकते हैं। निर्जला अगर हम करते हैं तो निर्जला हाँ। खोल हम रेचक जूस में खोलना है हमको, नींबू पानी में नहीं खोल। जो रेचक जूस हमारा है, टमाटर का जूस या खीरा करेला टमाटर या हरी पत्ती में आंवला छिलका समेत अनार को पीस के उसका जूस, नहीं तो हाँ। सफेद पेठा का जूस, नहीं तो ड्रम स्टिक का जो है सहजन अच्छा का पत्ती और अच्छा सहजन थोड़ा मात्रा में जो खीरा डाल के और पुदीना धनिया डाल के उसको पीस के उसका रस, ऐसे छह हमारा डिटॉक्स जूस है जो क्लींजिंग जूस बोला जाता है, उसमें से एक जूस पे खोलना है, थोड़ा पतला करके बनाना है और धीरे धीरे एक एक सीप करके आधा घंटा तक लेना है। एक है, मतलब एक दिन का किए हैं तो एक गिलास ले सकते हैं, लेकिन तीन चार दिन जो करते हैं उनको एक कप से शुरू करना है जब अच्छा, खोलते हैं। तो ये हाँ रेचक जी, जूस है वो एक ही ग्लास, दो ग्लास लिए तो चलता है कि वो एक ग्लास चलता है कैसे मतलब? एक दिन का निर्जला में एक ही ग्लास से करना है, दो ग्लास से अच्छा नहीं। हाँ जी, अच्छा और उसके बाद ऐसा नहीं कि 1.5-2 घंटे बाद तुरंत नारियल दूध और खजूर लेना, ऐसा नहीं लेना है हमको। उसके बाद फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस लेना है, मतलब शाम अच्छा तक जूस पे रहना है। एक दिन निर्जला करने से आधा दिन जूस पे रहना है, फिर उसके बाद कच्चे चबा के खा सकते हैं, ले सकते हैं। नारियल दूध और ये खजूर भारी होता है तो इसको रात के समय में भिगो के खजूर नारियल दूध में पीस के रात के समय ले सकते हैं। एक दिन अगर निर्जला करे हैं तो दिन के समय अच्छा में नहीं, 2 दिन निर्जला करे हैं तो एक दिन रसाहार पे रहना है। ऐसे जितना दिन हम निर्जला करते हैं उसका आधा दिन रसाहार पे रहना चाहिए, तभी हमारा लाभ होता है निर्जला करने का, नहीं तो लाभ की अच्छा जगह में हानि होती है। हमको पता नहीं लगता है, हम एक दिन निर्जला करने से एक ही जूस लेने के बाद तुरंत खाने के प्रयास करते हैं, चबा के खा लेते हैं, भारी चीज भी खा लेते हैं, तो इसी से हमारा जिस उद्देश्य से हम निर्जला करते हैं उतना लाभ नहीं होता है। तो इसके लिए अच्छा अगर 9 दिन निर्जला जो करेगा वो उसको 5 दिन रसाहार पे रहना पड़ेगा, आधा से ज्यादा दिन 5 दिन रसाहार पे रहना पड़ेगा। उसके बाद जूसी फ्रूट पे आना पड़ेगा, उसे उसके बाद फ्रेशी फ्रूट जो पपीता हो गया, केला हो गया, चीकू हो गया, उसमें आना पड़ेगा। और उसके बाद वेजिटेबल जैसे खीरा खीरा टमाटर ये सलाड सलाड पे आना पड़ेगा। उसके बाद वेजिटेबल गोभी हो गया, ऐसे सब्जी जो उसी में केला आना ले है। सकते हैं माता जी? केला ले सकते हैं शाम के टाइम? हाँ, शाम के टाइम ले सकते हैं, एक दिन अगर निर्जला करें हैं तो। अच्छा बाकी ज्यादा दिन करें तो मैं बता दी, जितना दिन करें निर्जला उसका आधा दिन आसार पे रहना है। उसके बाद जूसी फ्रूट लेना है, उसके बाद फ्लेसी फ्रूट लेना है, उसके बाद अच्छा खीरा टमाटर ये सब जो सलाड वो लेना है एक दिन। और उसके बाद फिर हम सब्जी कच्चे की और अंकुरित
स्प्राउट को जा सकते हैं, लेकिन क्रम से जाना है हमको, अच्छा तभी ठीक हमको है जो निर्जला जी उद्देश्य करते हैं उसका पूरा हमको बेनिफिट मिलता है। अच्छा। और एक दिन का जो निर्जला की है तो शाम को स्प्राउट भी नहीं खा सकते, दूसरे दिन खा सकते हैं, ऐसा आप हाँ कहना है ना? जी हाँ जी हाँ जी 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 धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम। आशीर्वाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, मैं आपको अनम्यूट करें। जिस किसी साधक का कोई क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, सजिंद्र अनेजा, हाँ जी आप पूछ सकते हैं। अगर आप अनुभव भी मीडिया शेयर करेंगे तो कर सकते हैं हम लोग। कुछ साधक जुड़े हैं, उनका माइक अभी ऑन नहीं हुआ है, वो अपने माइक को पहले ऑन कर लें। हाँ जी, अगर किसी साधक का कोई एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और लोग भी मोटिवेट होंगे और एनडीएस को फॉलो करेंगे। इस दवाई रहित दुनिया में आप सब मिलकर काम करेंगे तभी हम दवाई मुक्त संसार बना पाएंगे। इसमें आप सबका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस किसी साधक को कोई फायदा हुआ है एनडीएस से वो यहाँ बता सकते हैं, जिससे लोग मोटिवेट होंगे और एनडीएस को फॉलो करेंगे। गीता जी संतुष्टि नहीं जैन होती है क्या? माता जी उनके ना बच्चों के पास रहता है शाम के टाइम पे ना फोन, बड़े बड़े बच्चे हैं तो उनकी क्लासेस चलती है तो इस वजह से ज्वाइनिंग नहीं होती है। अच्छा, वो बाद में वीडियो पूरी देखती है तो मतलब ग्रुप में वीडियो डली रहती है तो वो वीडियो जरूर देखती है। जैसा हम वहां से दिव्य शिष्य आश्रम से करके आ रहे हैं वैसे ही हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पका हुआ कोई खाना खा रहे हैं, रसाहार निर्जला पे ही ज्यादा फोकस है। हाँ जी, उसको बोलना एक दिन कभी भी जैन हो जाए, संडे को हो जाए, कम से कम देखें हम उसको। ठीक है माता जी, मैं याद बोल दूंगी। हाँ जी, मैंने बोला माता जी बार बार याद बोली, मैं सुन रही हूँ कि बोली ग्रुप में डलता है तो मैं रोज वीडियो देखती हूँ कि जूम मीटिंग, लेकिन बच्चे बड़े बड़े सबके पास अलग अलग फोन चाहिए, क्लासेस रात तक चलती रहती है बच्चों की। फिर भी मैं बोल दूंगी संडे के दिन क्लास लेने के लिए ना जी। और आप लोग कोशिश करना, हमारा जो निर्जला के शिविर है, हमारा लॉन्ग निर्जला शिविर 26 सितंबर से 4 अक्टूबर 2022 शारदीय नवरात्र में है, और ये हमारा नई भजन प्रथा प्रणाली में आध्यात्मिक साधना केंद्र में पहली बार पूरी वर्ल्ड में ये निर्जला शिविर हो रहा है। निर्जला शिविर कहीं भी नहीं हुआ है। तो हम मैं सभी को यही बोलूंगी कि अगर आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना है तो जरूर ये तपोभूमि हिमाचल प्रदेश में जरूर आइए, संतों के साथ इसका लाभ लीजिए। और यहाँ आराम, निर्जला फास्टिंग में आराम बहुत जरूरी है, विश्राम जो चाहिए तो विश्राम शरीर का भी चाहिए मन का भी चाहिए। विश्राम मतलब राम में विश्राम, विशेष रूप में अपने आप को ठहराना, तो इसीलिए विश्राम का अर्थ ये है, विशेष रूप में अपने आत्मा राम, जो हमारे अंदर जो हमारा खुद डॉक्टर बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं, इसी में हमें अपने आप को विश्राम कराना है और अपनी सुमिरन को, ध्यान को बढ़ाना है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा अनुभूति। तो अगर इसमें कोई आगे जाना चाहता है तो बाकी चीज पीछे पीछे आराम से हो जाती है, उसके लिए कोई अलग सा करना नहीं पड़ता है। शरीर का रोग नाबूदी अपने आप हो जाती है,
उसके लिए कोई तप अलग नहीं करना है, हमको तप करना है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जो हमारा 84 लाख योनि में बहुत हमारा भाग्य अच्छा है जो हमको मनुष्य जीवन मिला। हम मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमको ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिली है, जो शिव भगवान जी के त्रिसूत्रीय मार्ग है, ये सबसे बहुत सहज मार्ग है और ये हमारा बहुत आध्यात्मिक मार्ग है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है, कोई पथी थेरापी नहीं है। तो हम इसको अगर अपना बड़ा लक्ष्य बनाते हैं कि प्रभु का सुमिरन करना, प्रभु का प्राप्ति के लिए प्राप्त तो है, लेकिन हम हमारे अंदर खुद कूड़ा डाल रखे हैं। हमारा मंदिर में प्रभु बैठे हैं लेकिन वो प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम अयोग्य आहार, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, कुक फूड और बाकी जो जैसा लिए हैं सब, चाय, कॉफी, पैकेट बंद फूड, ये सब ले लेके अपने अंदर की जो प्रभु के ऊपर कूड़ा डाल दिए हैं। तो जैसे जैसे हम हमारा सफाई करेंगे, संजीवनी क्रिया करके, उपवास करके, हमारा अंदर की सफाई होगी, शरीर का पहले सफाई होगी, पहले हमारा शरीर की दोष को दूर करेंगे प्रभु, उसके बाद मन की भी विकार है, मन का दोष है, क्योंकि मन सूक्ष्म शरीर है, पहले स्थूल शरीर का होगा फिर मन का विकार जाएगा। तो इसीलिए एक साधना है, हमको साधना को करना है, आगे बढ़ना है, जो जितना निर्जला बढ़ाएगा, लंघन करेगा, धीरे 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 बढ़ाएगा, अपने शरीर को देख के, अपनी बॉडी क्लॉक को देखना है, वॉल क्लॉक को नहीं देखना है, अपनी जब भूख लगे असली भूख में लेना है, नकली भूख के नहीं। हमने थोड़ा अपने मन को चला लेते हैं तभी हमको भूख लगती है और फिर हम कुछ ना कुछ लेने लग जाते हैं। तो हमको इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि निर्जला जो हमारा है, ये हमारा दवाई भी है, ये हमारा दुआ भी है। तो इसको जितना हम बढ़ाते हैं हमको सभी तरफ से फायदा ही फायदा होता है। तो हम जो ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम में हमारा जो शिविर है निर्जला, ये सबसे अनोखा शिविर है, अब पहले बार हो रहा है न्यू डाइट सिस्टम का, और ये हमारा परम पूज्य और श्रद्धेय विभी चौहान गुरु जी का ये मतलब सुन के बहुत खुश हुए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जनक है यहाँ का, और उन्होंने यही बोले कि ये पहली बार एक निर्जला शिविर हो रहा है, लंग निर्जला शिविर हो रहा है, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ, ऐसे उन्होंने बोले। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग सभी इसका फायदा लीजिए, क्योंकि विश्राम जरूरी है, घर का काम करके हम लंबा निर्जला नहीं कर पाते, करते भी है तो इतना लाभ नहीं होता है, क्योंकि हमको जीवनी शक्ति को, प्राण शक्ति को बचाना है, हमारा अंदर की गंदगी निकालने के लिए, मन की और शरीर की। तो जो जितना विश्राम करेगा, मन को ध्यान में लगाएगा, तो उसको उतना फायदा होगा, मौन रहना होगा, मन से भी और मुख से भी और मन से भी, तो हमको लाभ होगा। तो आप लोगों को जिसको भी निर्जला करना है, लॉन्ग निर्जला फास्टिंग, जरूर स्वागत है। आप 25 सितंबर में आप पहुंचे, निशुल्क है, कोई रुपया इधर नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं इसमें देना पड़ेगा, और यहाँ का आप एक वातावरण का, एक ओरा का लाभ ले सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, जो कि आप एक महीना रसाहार करेंगे कि 2 महीना रसाहार करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगी उससे ज्यादा रिजल्ट आपको लंबा निर्जला फास्टिंग में ही मिलेगा। तो आप लोग एक निगरानी में, किसी की निगरानी में करते हैं जो पहले करे हुए हैं, तो ज्यादा मतलब डरने की बात नहीं होता, फायदा होता है। तो आप लोग जिन्होंने भी करना चाहते हैं, पहले से अपने नाम, रजिस्ट्रेशन, बुकिंग कर लेना है। बुकिंग करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं लगेगा। तो आप लेकिन पहले से नाम लिखवा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को हमारा बहुत बहुत शुभकामना है, वेल पावर बढ़ाइए, मनोबल बढ़ाइए, और किसी भी तरह शारदीय नवरात्र में निर्जला करने की प्रयास कीजिए। और हम गीता जी को, संतोषी जी को हम जरूर ये हम बोलेंगे कि हो सके तो वो जरूर आए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से पीछे भी आके आश्रम में बहुत अच्छा निर्जला करे थे, तो वो भी करेंगे तो आप जो ये माता जी कोशिश पूरी करेंगे। चल रहा वैसे
बिल्कुल कोशिश जरूर करेंगे, दीदी से भी पूछूंगी। अब देखते हैं, घर की स्थिति भी थोड़ा देखनी है। वैसे तो मैं बोल रही हूँ अपने हस्बैंड को, वो तो मना नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी कोशिश पूरी है। नहीं तो घर से तो घर में तो मैं सोच रखा है कि घर में निर्जला करेंगे हम लोग, आपको आपसे आशीर्वाद लेंगे और फिर निर्जला करने का सोचा है। ठीक हाँ जी, और फिर भी अगर घर से क्या राय बनती है, कैसा बनता है, अगर राज मतलब एग्री हो गए तो क्या पता आ भी जाए, क्योंकि कल जो है दीदी की लड़की का एक्सीडेंट हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस वजह से ना। ठीक है ठीक है ठीक है माता जी, जी। प्रणाम माता जी, प्रणाम। गॉड ब्लेस। किसी साधक का क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें। अगर किसी साधक का कोई क्वेश्चन है या अपना एक्सपीरियंस, दक्षा जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ माता जी, और एक मेरा सवाल था कि हम 24 घंटे का निर्जला खुलते हैं दूसरे दिन 8 घंटे के बाद, तो उसके पहले हमें रेचक जूस के पहले हमें एनीमा करना है या फिर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है? एनिमा तो करना ही करना है, संजीवनी नहीं, क्रिया करना। सुबह किया संजीवनी क्रिया, लेकिन दोपहर को भी करना है क्या? दोपहर को भी करना है? सवेरे दो बार करना है, फिर उसके हाँ। बाद करना है, फिर दोपहर को भी करना है, मतलब उस दिन करना चाहिए। अच्छा। छह बार करना चाहिए, सवेरे दोपहर शाम। अच्छा ठीक है माता, ठीक है ठीक है। प्रणाम बस न्यू आंगड़ी मुड़ी से मारी चल ले। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें। ये सरला देवी जी। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। मैंने आज ही फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मैम। जी जी। मेरी कमर में और घुटनों में दर्द है जी। देखिए आपको न्यू डाइट सिस्टम का देखना पड़ेगा, बीबी चौहान गुरु जी का चैनल है, न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान टाइप करने से एक ऑरेंज कोटी का उनका फोटो है, तो वहां पे उन्होंने सभी कुछ बताए हैं कैसे करना है क्या करना है। हमारा भी चैनल है न्यू डाइट सिस्टम साधना केंद्र आनंदी माँ सुरेश जी, तो इसमें भी अगर आप टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा। और आपको इसको फॉलो करना है ताकि आपका, देखो रोग अनेक है इलाज एक है, रोग चाहे कोई भी नाम दे दो, लेकिन हमारा प्रोसेस यहाँ पे करना एक है, साधना ही करना है। और रोग नामक की चीज कुछ है ही नहीं, हमारा अंदर गंदगी है, मल है, रुका हुआ मल सब तरफ है, तो उसी का सफाई करना है शरीर से, ताकि जैसे जैसे हम सफाई करेंगे आगे चलते जाएंगे। तो इसके लिए आपको तीन चीज याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं, याद रखने वाली चीज ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा, आग में पकाया हुआ भोजन जो हम गलत अयोग्य आहार ले लिए हैं उसको त्याग करना पड़ेगा, और हमको गॉड मेड फूड प्रभु जैसे दिए हैं उसको उसी रूप में लेना है। लेकिन उठते ही आपको पहले संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा, एनिमा पॉट मिलती है आपको, आपका मतलब मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, नॉर्मल वाटर में लेना है, सर्दी के दिन में थोड़ा सा लिक्विड वार्म मतलब कोसा पानी में लेना है, और गर्मी के दिन में नॉर्मल वाटर में लेना है। और कैसे लेना है आप हमारा चैनल पे जाएंगे तो वीडियो में सब कुछ बताया गया है, आप देख सकते हैं। संजीवनी क्रिया करने के बाद 8 घंटा निराहार रहना है, ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर रहना है, ड्राई फास्टिंग करना है। उसके बाद हमको जब मतलब निर्जला खोलेंगे तब रेचक जूस पे खोलना पड़ेगा, वो भी हमारा बताया गया है क्या क्या रेचक जूस है। हरी पत्ती में आंवला डाल के जूस है, खीरा करेला टमाटर में डाल के जूस निकालना, खाली टमाटर छिलके समेत अनार को पीस के उसका रस निकालना, सफेद पेठा का रस, ये सब हमारा डिटॉक्स जूस है। तो जो क्यों लेना है डिटॉक्स जूस, जो हम प्रभु को मौका दिए सहयोग करे हमारा सफाई करने के लिए, जब हम उठते हैं कुछ नहीं डालते हैं तो वो 8 घंटा प्रभु को समय मिलता है
एक जीवनी शक्ति को एक कार्य करने के लिए कि आपके अंदर की गंदगी को निकालने के लिए, तो जो निकाले उसको भी हम अगर क्लींजिंग जूस लेके डिटॉक्स जूस लेंगे तो हमारा जो प्रभु निकाले है वो और अपने आप टॉयलेट होगा, अपने आप आपका मतलब डिटॉक्स हो जाएगी, अंदर से गंदगी निकलेगी। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद आप जब भूख लगे तब जूस लीजिए या गॉडमेड फूड लीजिए, जैसे फ्रूट हो गया, खीरा टमाटर हो गया, ऐसे जब असली भूख लगती है तब लेना है, रात तक ऐसे ही लेना है। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए घुटने दर्द से, कमर दर्द से अगर राहत चाहिए तो रसाहार पे रहिए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरीके से आप करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। दोनों टाइम आपको ये करना पड़ेगा, संजीवनी क्रिया सवेरे और शाम एनिमा जो होता है दोनों टाइम करना है। तो शुरू कर दीजिए ताकि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगी, ठीक है? लेकिन करना यही पड़ेगा, जो भी बीमारी का नाम कोई भी हो, लेकिन एक ही चीज यही करना है, भोजन परिवर्तन करना है हमको, आहार परिवर्तन करना है और गॉड मेड फूड लेना, ठीक है मैम? तो भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू माता, थैंक यू। गणेशन फ्रॉम हैदराबाद, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, आप आपको अपने आप को अनम्यूट करें, आप चैट कर रहे हैं। अगर आप अपने आप बताएंगे तो सबको पता चलेगा और लोग भी मोटिवेट होंगे। अभी हमारा 10 सितंबर से 20 सितंबर 2022 10 सितंबर से 20 सितंबर 2022 तक भी शिविर है हमारा, ये हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो आप जिनको भी क्रोनिक डिजीज है, कैंसर का, ज्यादा कैंसर को हम महत्व दे मतलब देते हैं, जो जो हमारा हमारा बेटा सुरेश जी ने कैंसर से ही ठीक हुए हैं ये नई भोजन पथा प्रणाली अपना के, तो उनका यही इच्छा है कि जो लोग भी मतलब कैंसर से परेशान है, कैंसर से नामक रोग तो नहीं है लेकिन मल है हमारे अंदर, उसकी सफाई करना है। तो जो भी वो परेशान है वो यहाँ आके, निशुल्क होता है यहाँ आके, यहाँ का लाभ ले सकते हैं, शिविर अटेंड कर सकते हैं। और जिनको आप लोग भी सहयोग करिए, जो भी सुन रहे हैं जिनको भी परेशानी है, क्रोनिक डिजीज है, जो मतलब हार्ट ये हो गया, पैरालिटिक अटैक हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गई, और जो घर में कर रहे हैं और आप अच्छा से निर्जला नहीं कर पा रहे हैं, घर में रसाहार नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ आके उन्होंने यहाँ का फायदा ले सकते हैं। तो 10 सितंबर से 20 सितंबर 2022 में है शुरू, तो आप लोग नाम लिखवा सकते हैं, अभी भी थोड़ा सीट खाली है, और अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हाँ जी, गणेश जी अपने आप को अनम्यूट करें। बादल का ही हो गया था बीच में जी, आपने हैंड रेज किया है, अपने आप को अनम्यूट करें गणेश जी। तब तक अगर किसी साधक का क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करें, या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो भी अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी गणेश जी, हमारी आवाज आ रही है तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, स्क्रीन पर टच करें, वहां एक माइक का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करें, आप अनम्यूट हो जाएंगे। मुझे 4-5 साधकों का फोन में प्रश्न आया था,
पूछ रहे थे कि नई भोजन प्रथा प्रणाली में शाम को क्यों कुकुर का खाने को कभी कभार अलाउ करें या दिन में क्यों नहीं करें हैं। तो मैं इसका उत्तर यही दूंगी, ना शाम को अलाउ करें हैं ना दिन में अलाउ करें हैं। कोई भी विवेचवान गुरुजी ने कभी भी अलाउ नहीं करे हैं कि शाम को कुक फूड खाओ कि दिन में कुक फूड खाओ बोल के। लेकिन उन्होंने यही बताए हैं कि आपको अगर हर समय निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, तन से भी मन से भी और आत्मा में भी अपनी स्थिति पाना चाहते हैं, आध्यात्मिक में अगर आगे जाना चाहते हैं, तो आपको हर समय गॉडमेड फूड में ही रहना पड़ेगा। और ये पका पकाया भोजन है, ऐसा नहीं है कि कुक नहीं किया गया है। सूरज भगवान की ऊर्जा से, चंद्रमा की शीतलता से, हवा पानी से, जल से, ये सब पका पकाए है। और हम हमारा स्वाद के, जीभ का स्वाद के लिए हम दोबारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करके उसका सत्व तत्व नष्ट करके मुर्दा बना के जला के चढ़ा के सड़ा के खा रहे हैं, जो कि हमको कुछ फायदा नहीं देता है। उल्टा हमारा प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति को मेहनत करना पड़ता है उसको निकालने के लिए। तो गुरुजी ने ये नहीं बोले हैं कि आप शाम को खाओ, लेकिन लोगों ने जो प्रश्न कर करके ये करते हैं, कब खा पाएंगे, कितना दिन तक कुक फूड छोड़ना है, तो यही सब सवाल करते हैं। तो उन्होंने यही बताया, अगर आप लोग इतना छोड़ ही नहीं पा रहे हो, फिर भी आपको खाना ही है ये गंदगी, तो आप शाम के टाइम में 70% वेजिटेबल्स और 30% अनाज के रूप में ले सकते हैं। लेकिन लेने से भी आपको निर्जला करना पड़ेगा। ये बात लोग नहीं सुन रहे हैं ठीक से, खाली यही बात बताते हैं कि गुरु जी तो बोले हैं शाम के टाइम में रोग मुक्त होने के बाद खाना है, रोग मुक्त होने के बाद खाना है, रोग मुक्त होने के बाद खाने के लिए नहीं बोले हैं। आप लोगों ने प्रश्न पूछ पूछ के वैसे ही रह नहीं पा रहे हैं, तो गुरु जी ने ऐसे बोल दिया कि अगर खाना है तो ले ले सकते हैं, लेकिन अगर लोग है तो रोग जरूर आएगा, साथ में वो जुड़े हैं, रोग जरूर आएगा, कभी ना कभी आएगा। अगर आप हर समय स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अगर ले भी लिए तो निर्जला करना पड़ेगा। हफ्ते में एक दिन या दो दिन निर्जला, मतलब नौ खाना नौ पीना, ड्राई फास्टिंग करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो फिर यही चीजें, कहीं दर्दे होगी, कहीं जुखाम होगा, कभी मतलब बुखार आएगा, ये सब चीजें आती रहेगी। तो इसके लिए आप लोग समझना चाहिए गुरु जी क्या बताए हैं। आ कुक फूड क्यों शाम को बोले हैं ये भी प्रश्न पूछे, क्योंकि देखिए हमारा शरीर पांच तत्वों में गढ़ा हुआ है, आकाश तत्व और वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो हमको हल्का से भारी की ओर जाना है, सबसे हमारा आकाश तत्व सबसे ज्यादा हल्का है, मतलब ड्राई फास्टिंग, कुछ भी नहीं खाना नहीं पीना उठते ही। उसके बाद हमारा आ जाती है अग्नि तत्व, जो फल में होते, सॉरी वायु तत्व, जो हमारा हरी पत्ती में होता है, हरी पत्ती में आंवला डाल के जूस लेना, ये जो रेचक जूस लेते हैं वो सब वायु तत्व में जाता है। उसके बाद हमारा आएगा हमारा अग्नि तत्व, जो फ्रूट फ्रूट फल जो होता है वो अग्नि तत्व होता है। फ्रूट का जूस ले लिए, फ्रूट ले लिए, ये हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल के हो। उसके बाद हमारा जल तत्व, खीरा टमाटर ये सब आएगी। पृथ्वी तत्व हमारा आएगा क्या, ना गाजर चकुंदर मूली आलू शकरकंदी अरबी, ये सब चीजें जो मिट्टी के नीचे हो रहा है वो सब पृथ्वी तत्व है, और ये सब भारी है। स्प्राउट हो गया, जो अंकुरित खाते हैं वो सब भी पृथ्वी तत्व में जाती है। ड्राई फ्रूट हो गया, जो भी पृथ्वी तत्व में जाती है, भारी होता है वो, तो भिगो के इसीलिए खाने को बोला जाता है, खा के सो जाने को बोला जाता है। कुक फूड भी पृथ्वी तत्व में जाता है, तो इसी के लिए वो हजम होने के लिए थोड़ा बहुत समय लगती है। पृथ्वी तत्व को सबसे ज्यादा समय लगता है, प्राण शक्ति जीवनी शक्ति को हमारा डाइजेस्ट करने के लिए बहुत समय लगती है। इसके लिए हम रात को सोने से पहले लेते हैं और सो जाते हैं, तो हमारा जीवनी शक्ति प्राण शक्ति एक ही कार्य में लगता है, हजम करने में। नहीं तो अगर हम दिन में लेते हैं तो
तो वो पूरी तरह हजम नहीं होती है, गैस बनती है, एसिड बनती है, क्योंकि हमारा जीवनी शक्ति डिवाइड हो जाती है। बातें भी करते हैं, आंख में देखते हैं, कान में सुनते हैं, चलते फिरते हैं, काम करते हैं, ये बुद्धि भी काम करती है, कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो इस सब से हमारा जीवनी शक्ति बाहर क्षय होता रहता है और हमारा डाइजेशन ठीक नहीं हो पाती है। इसके कारण हमारा नई भोजन पथा प्रणाली में जो भारी चीज को रात में लेने के लिए बोला गया है और लेके सो जाने से हमारा जो जीवनी शक्ति बचती है वो एक ही काम में लगता है। हम आंख से देखते नहीं है, कान से सुनते नहीं है, मुख से बोलते नहीं है, ना खाते हैं, एकदम मन भी विलीन हो जाता है, पता ही नहीं लगता हम कहाँ सोए हैं क्या है, लेकिन निद्रा गहरी निद्रा लेते हैं तो उस समय हमारे इंद्रियों सब समेट जाती है तो जीवनी शक्ति बचती है और एक ही काम में लगता है। तभी नई भोजन पथा प्रणाली में शाम के टाइम में पृथ्वी तत्व कुक फूड थोड़ा मात्रा में निरोगी होने के बाद थोड़ा बहुत ले सकते हैं, जो मतलब चाहते हैं लेना, लेकिन निर्जला करना पड़ेगा, यही बात बताया गया है। और बाकी हमको जो हमारा ड्राई फ्रूट हो गया, ये सब चीजें भी निरोगी होने के बाद जब रोग मुक्त हो जाते हैं कभी कभार भिगो के उसको कभी सेक बना के ले सकते हैं। नारियल दूध भी रात के टाइम में लेना चाहिए, तो ये सब डाइजेशन में समय लगता है, तभी रात के टाइम में बोला गया कि हम सो जाने से अच्छे से हमारा और डाइजेस्ट हो जाएगी और हम स्वस्थ महसूस करेंगे। तो इसका जवाब हमने दे दिया, काफी फोन में प्रश्न पूछे थे, यूट्यूब में ये अपलोड होती है हमारा ये जूम मीटिंग का, वो देख सकते हैं। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है? हाँ जी माता जी, मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं कि जो धागे वाली मिश्री है वो एनडीएस में खा सकते हैं कि नहीं, आप प्लीज बताएंगे कि उसका यूज हम एनडीएस में कर सकते हैं? ले सकते हैं, ऐसे तो कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कोई कोई इसको औषधि के रूप में लेते हैं और ये हमारा जलन ठीक करता है, पेट में ठंडाई देती है, एसिड नहीं होता है। तो धागे वाला मिश्री मोटा जो है उसको थोड़ा पीस के रख के उसको ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं मिला के, और जिनको ज्यादा जलन होती है वो उसी का यूज रात को भिगो देना चाहिए साबुत धनिया के साथ, और उसको फिर जब हमारा फास्टिंग खोलते हैं रेचक जूस के बाद एक दो घंटे बाद वो पानी को छान के, धनिया मिश्री वाला पानी को छान के थोड़ा नींबू डाल के उसको ले सकते हैं, वो बहुत कोई नुकसान नहीं करता है। जी माता जी। हाँ जी गणेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेमंत कुमार जी बार बार मैसेज कर रहे हैं। मैं हिंदी में बोलता हूँ, आई थिंक पहले इंग्लिश में बोल के कोई नहीं समझा दिख रहे। हाँ जी बोल सकते हैं आप, इंग्लिश में बोल सकते हैं लेकिन हिंदी ज्यादा अच्छी रहेगी, सबको समझ आ जाती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। नहीं, मैं पार्किंसन पेशेंट एक भी क्योर हुआ और ट्रीटमेंट हुआ बोल के नहीं सुना, एक्चुअली मैं वो क्वेश्चन पहले भी पूछा। हुए हैं ऐसा कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो क्योर नहीं हुए हैं, करने वाला होना चाहिए, जो इसको ठीक तरह से करते हैं नई भोजन पथा प्रणाली को पूरी तरह जैसा बोला गया है ऐसा करते हैं बिना चीटिंग करे, जो निर्जला ज्यादा करते हैं लंघनम परम औषधम, मतलब इसको जो बढ़ाते हैं और लंबा निर्जला करते हैं उनका रिजल्ट मिलती ही मिलती है। ऐसे कोई नाम नहीं है कि ये रोग ठीक होगा कि नहीं, वो रोग ठीक होगा कि नहीं, रोग तो हम खुद ही बुलाए हैं अयोग्य आहार करके, मिल्क प्रोडक्ट करके लेके, कुक फूड लेके और सब ये सब चीजें लेके हम ही बुलाए हैं। तो जब हम इसको छोड़ देते हैं और असहार करते हैं, सूक्ष्म होते जाते हैं धीरे धीरे, आकाश तत्व को बढ़ाते हैं तो सभी चीज ठीक होती है, समय लगती है, परमानेंट क्योर होता है, बाकी सब टेम्पोरारी होती है, जो
मेडिसाइंस का दवाई। इंडिया में 9 लाख पार्किंसन पेशेंट अभी तक एक भी सामने आया नहीं लग रहे। आए हैं आप बीबी चौहान गुरु जी को पूछना, उनका उन्होंने फोन नंबर देते हैं, आए हैं। ओके हाँ जी, जब हमारा इतनी बड़े मतलब जोगेश जी है जो कोमा स्टेज पे थे, जिनको कुछ भी नहीं चलता था, खाली सांस सांस चलती थी, आए थे जब उन्होंने ठीक हो गए, वो चल नहीं पाते थे और बोल नहीं पाते थे, जवान खींच गई थी, आंखें टेढ़े हो गए थे, उनको आंखें में छेद छेद दिखता था और जूस भी ले नहीं पाते थे, गिर जाता था बाहर से, हाथ उठा नहीं पाते थे, सिग्नेचर नहीं कर पाते थे, कुछ पढ़ नहीं पाते थे, ऐसे उनका खाली डेड ही थे वो पूरी तरह से। और उनको सुरेश बेटा ने अपने कंधों में लेके ऊपर मतलब आश्रम में उनको लेटे लेटे उनको एनिमा करवाए, बाथरूम तक वो जा नहीं पाते थे और उनका हिम्मत दिए सुरेश जी ने, और वो जैसे ठीक हुए कैंसर से ऐसे उन्हीं को पूरी तरह करे, तो वो भी तप करा उसने, निर्जला करा और रसाहार पे रहा, अभी भी वो रसाहार पे है और वो मतलब ठीक हुआ, खड़े हो पाए, चल पाए और सिग्नेचर कर पाए, पढ़ पाए सब कुछ, छे छे जो दिख रहा था अब एक दिखते हैं उनको, इतना ठीक हो गया 3-4 महीने में। और तो ये पार्किंसन क्या चीज है, जो मतलब पैरालिटिक अटैक, जो ब्रेन हेमरेज वाला इंसान को खड़े कर दिए, तो ये तो बहुत मामूली चीज है, करने वाला चाहिए। नहीं, मुझे कैंसर से भी ये कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज ये न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट है। सो एक जोगेश जी का भी क्या था, उनका ब्लॉकेज थी, नर्व्स ब्लॉकेज था उनका बहुत ज्यादा, और ब्रेन ये में हेमरेज हो गया था, सब चीज उनका कुछ भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं, हम ही थे हमारे आंखों के सामने, हाँ वो ठीक हुए हैं। और सुरेश बेटा ने उनको बहुत मेहनत करे उनके लिए, और वो भी तप करे तो ठीक हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक हो पाएंगे, संजीवनी क्रिया करे, बहुत मल मल निकला, गंध निकला। उसका कोई कांटेक्ट कर सकते हैं? उनका बहुत वीडियो डाला